राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिस राम ही गाजो, राम चरणिक राम बिन मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म परात्पर शब्द ब्रह्म राम के उपासक प्रचारक परम श्रद्धे परम श्रद्धा इष्पत प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही धर्म प्रवर्तक युग पुरुष अध्यात्म अवतार स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। तदनंतर जिनके चरण रज से ये धरा तीर्थ स्वरूप हुई, नाममय हुई, साधनामय हुई, नामनिष्ठ साधनानिष्ठ तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संत जहां प्रकट भये सोही तीर्थ धाम, जैसी युक्ति को सार्थक करने वाले बड़ा रामद्वारा चांदपोल जोधपुर के संस्थापक भजनीक उपाधि से अलंकृत परम विरक्त त्यागी तपस्वी भजनानंदी मंडोर की धरती को प्रेत भय से मुक्त करने वाले अभेदाता स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के पावन से चरणों में वंदन करता हूं। साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 उसमें भी अधिक मास पुरुषोत्तम मास का पावन अवसर श्री महाराज के वांग्मय स्वरूप श्री विग्रह अनुभव वाणी जी के अंतर्गत भक्तमाल स्वरूप नाम प्रताप ग्रंथ का दिव्य चिंतन मनन रसास्वादन करने का आप और हम सभी प्रयास कर रहे हैं। विगत दिनों से राजा जनक की यज्ञशाला में नव योगेश्वरों का दर्शन, सत्संग, प्रश्नोत्तरी से आत्म शुद्धि पर विचार का दिव्य भाव श्री महाराज के शब्दों के माध्यम से सत्य शब्द राम ही भाग्यो, राम का नाम ही सत्य है, यह आप और हम सभी ने श्रवण किया। नरप परीक्षत भयो परायण सुखदेव सो शब्द पिछायण, राम नाम दिन सात पढ़ायो तज नर लोक परम पद पायो। बड़ा ही सुंदर पावन प्रसंग स्मरण दिलाते हैं श्री महाराज। नर्प परीक्षित भयो परायण सुखदेवसु शब्द पिछायण, राम नाम दिन सात पढ़ायो
तज नर लोक परम पद पायो। दिव्य भाव को आत्मसात करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण आदि नौ प्रकार की भक्ति के जो मुख्य आचार्य हैं, वे अपने चरण कमलों की रज देते हुए हम दयनीय दशों पर करुणा करें। बुद्धिमान परीक्षित जी श्रवण भक्ति के तथा व्यास पुत्र सुखदेव जी कीर्तन भक्ति के और सुंदर रूप के स्मरण करने वाले में प्रहलाद जी, अष्टयाम भगवत चरण सेवन में मन देने वालों में लक्ष्मी जी, विधि समेत पूजन भक्ति में पृथु महाराज प्रधान है, वंदन भक्ति में स्वफल पुत्र अक्रूर जी और दास भक्ति को प्रकाशित करने वालों में हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ है, सख्य रस के उपासकों में अर्जुन, सर्वस्व समेत आत्मसमर्पण करने वालों में राजा बलि अग्रगण्य है। मैं नवदा भक्ति के इन आचार्यों के नाम के आश्रित हूं, अर्थात इनका नाम लेकर जीविका चलाता हूं, जीवन धारण करता हूं। ये जीवों को नरक विमुक्ता आदि दुर्गतियों से बचाते हैं। इन श्रेष्ठ भागवतों की कृपा से ही नवदा भक्ति का आचरण संभव है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्री कृष्ण श्रवणे परीक्षित भवत व्यासकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे अंग्रि पद्म भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्तभि वंदने कपिपति दास्यम च सख्ये अर्जुन सर्वस्वात्म निवेदने बलिर्भूत कैवल्य में ते विदुः। बड़ा सुंदर नवदा भक्ति की मैं चर्चा तो नहीं कर रहा, पर यहां केवल श्रवण भक्ति के आचार्य जो सुखदेव जी के मुखारविंद से 7 दिन तक अखंड अहर्निश आसन जमाए हुए अडिग रहकर राम नाम स्वरूप भागवत रस का पान करके भगवदानुभूति का अनुभव प्राप्त करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो गए, ऐसे परीक्षित महाराज का हम प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। श्रवण रसिक कहु सुने न परीक्षित से पाना हूं करत लागी कोटि गुणी प्यास है। मुनि मन मांझ कयो हूं आवतन ध्यावत हूं वही गर्भ मध्य देख आयो रूप रास है। कही सुख देव जो सो टेक मेरी लीजे जान प्राण लागे कथा तही तक्षक को त्रास है। कीजिए परीक्षा उर आने मति सानी अहो बानी वेर मानी जहां जीवन निराश है। जो भगवान का गुणानुवाद सुनकर अपूर्व मुख का अनुभव करते हैं, ऐसे श्रवण रसिक भक्त सुनने में नहीं आए। श्रवण रसिक कर्णेन्द्रियों से भगवत कथा को निरंतर श्रवण करते रहना ही जिनकी निष्ठा है। जैसे जैसे कथारूपी अमृत का कर्णकूटों से पान करने करते थे,
वैसे ही वैसे उनकी प्यास और अधिक जगती थी, अभिलाषा करोड़ों गुना बढ़ जाती थी। समाधि लगाकर निरंतर ध्यान करने वाले मुनियों के हृदय में जो भगवान नहीं आते हैं, उन्हीं रूप के समूह भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन परीक्षित जी ने अपने माता के गर्भ में किया। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हुए उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि आप हमारी टेव को जान लीजिए, मेरे प्राण कथा में लीन हो रहे हैं, मुझे सांप के डसने का भय बिल्कुल नहीं है। आप चाहे तो परीक्षा लेकर देख लें। सुखदेव जी ने मन में मान लिया, राजा की बुद्धि कथा में लीन हो गई। राजा श्रवण निष्ठा अनुपम है। सात दिन कथा कहकर जैसे ही सुखदेव जी की वाणी ने विश्राम किया, वैसे ही राजा ने अपने शरीर का त्याग किया। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, हनुमान चालीसा का पाठ श्रवण करते हुए हनुमान जी कथा के रसिया है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकामंजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमतः रक्षसांतकम्। जयति रामायण श्रवण संजात रोमांच लोचन सजल शिथिलवाणी। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम् उक्तः, अन्य मना दृग्लोलः पदच्छेदकः असमंजसः, अस्थित अधीर श्रुति मंद पलक झपके निद्रावस। प्रश्न प्रसंग न मिले मधुर अनुमोदन अक्रिय, बादि रसिक रस छहर अनभिज्ञ अलापत प्रिया प्रिय। रसिक अनन्य विशाल मति वात कहत अनुभव सुकृत, दस दोष रहित श्रोता मिले उज्ज्वल रस बरसे अमृत। साधकों, श्रोता दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रवर, दूसरा अवर। प्रवरा प्रवराश्चातको हंस शुको मीनादयस तथा अवरा वृक भुरुंड वृषो दृष्टाद्या प्रकीर्तिता, स्कंद पुराण में ये कहा गया है। साधकों, प्रवर यानी श्रेष्ठ, चातक हंस सुख और मीन आदि, ये प्रवर श्रोता है। और अवर, जो अधम, अवर का अर्थ होता है अधम, वृक भूषुंड वृक भुरुंड वृष और ऊंट आदि, चातक जो केवल इष्ट विषय ग्रहण करते हैं। सुखदेव जी जो वक्ता से सुनकर अपनी सुंदर वाणी से दूसरों को सुनावे, उसका नाम सुखदेव जी।
मीन जो मौन होकर रसा स्वादन करे, वृक जो बीच बीच में बोल करके रस भंग करते हैं, बुरुंड जो दूसरों से सुनकर जैसा का तैसा दूसरों को सुनाते हैं परंतु स्वयं आचरण में नहीं लाते, उसको कहते हैं बुरुंड श्रोता। वृष जो सरस निरस सबको समान समझे, ऊंट जो रस से प्रेम न करके नीमवद व कटुक भावों को ही पसंद करते हैं, आलस्य रहित होकर प्रेम पूर्वक कथा सुनने वाले उत्तम श्रोता को पाकर वक्ता के हृदय में सुंदर सुंदर भाव तरंगे उठती है। कथा में आकर ऊंघने वाले नींद लेने वाले श्रोता तो स्वयं कथा के रसा स्वादन से वंचित होते ही है और वक्ता का मन भी उदास कर देते हैं। साधकों, श्रोता सोता सरोता, श्रोता जो वास्तव में कथा सुनता है, सोता वंदे मातरम, न तो खुद को आनंद आता है और वक्ता को भी उदास कर देता है। तीसरा, श्रोता सरोता काटने का काम करता है। एक सेठानी नित्य नियम से कथा सुनने जाया करती थी, परंतु सेठ जी कभी नहीं जाते थे, उल्टे सेठानी से कहते क्या धरा है कथा बता, मैं कोई जाने की जरूरत नहीं है, तुम रोज रोज जाती हो। सेठानी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान सेठ जी एन केन प्रकार इन कथा में जाने लग जाए। हर स्त्री जो भगवतमय होती है वह यही अपेक्षा रखती अपने पतिदेव से, येन केन प्रकारेण मेरे प्राणनाथ मेरे प्राण धन पतिदेव, साधु संतों की संगति में रहकर कथा श्रवण करें, कैसे भी करके सुनने लग जाए। सेठानी ने एक दिन एक उपाय रचा, उत्सव का दिन था, उसने बढ़िया पदार्थ बनाए, सेठ जी भोजन करने बैठे तो उन्हें स्वाद भी आया, बोले आज तो रसोई में बड़ी मिठास है, क्या बात है, आज तो रसोई में मिठास है। सेठानी ने कहा इसमें क्या मिठास है, मिठास तो असल में जो है भगवान की कथा में है, असली मिठास तो कथा में है, भगवान के चरित्र में मिठास है और किसी में नहीं है। उस मिठास के सामने तो भोजनों में मानो कुछ भी मिठास नहीं है। सेठ ने कहा यदि ऐसी बात है तो आज मैं भी कथा सुनने चलूंगा। सेठ जी को बैठे बैठे ऊंघने का अभ्यास था, अतः समाज में न बैठकर एकांत में अकेले कथा सुनने बैठे। आखिर झपकी आ गई, आदत जो पड़ी थी, कई लोग बैठ गए, बस वंदे मातरम बैठते ही नींद। सेठ जी का मुंह खोल करके, सेठ जी जो है मुंह खोल करके खर्राट लिया, खर्राट लेने लगे। तब तक एक कुत्ता आकर उनके मुंह में लघु शंका कर दिया, निद्रा भंग हुई तो इन्हें मुंह का स्वाद खारा खारा सा लगा। घर जाने पर सेठानी ने पूछा कैसी कथा लगी, सेठ ने कहा तुमने तो कहा था कथा बड़ी मीठी होती है परंतु हमें तो खारी खारी लगी। सेठानी ने पूछा कहां बैठे थे, उन्होंने कहा सबसे दूर अलग,
सेठानी समझ गई, उन्होंने बात संभाली। उसने कहा सेठ जी प्रथम प्रथम और उसमें भी दूर बैठने से कथा खारी लगती है, रोज रोज जाकर समीप से सुने तो मीठा लगने लगती है, नित्य सुनने पर ही मीठी लगने लगेगी, छोड़ी नहीं जाती है। दूसरे दिन जब सेठ जी कथा सुनने गए तो सेठ जी सेठानी समीप बैठी और जब उस इनको वो नींद आई, सेठ जी को नींद आई, तब जो है आंख बचाकर सेठानी ने इनके मुंह में दो बतासे डाल दिए। क्या डाल दिए? बतासे यानी पतासे। आ सेठ ने बहुत बड़ी सराहना की, आहा इस प्रकार सेठानी ने दो चार दिन ऐसे ही किया, अब तो सेठ को कथा सुनने का चस्का लग गया। तो साधकों कथा सुनने का चस्का लग जाए वही बहुत बड़ी बात है, भगवान की जिस पर कृपा होती है उसी पर तो जो है उसी को चस्का लगता है। साधकों परीक्षित जी परम रसिक श्रोता है, 5 दिन तक एक आसन पर बैठे हुए अखंड अहर्निश कथा श्रवण में निमग्न चित्त श्री परीक्षित जी से 6 दिन सुखदेव जी ने पूछा, राजन क्या आपको भूख बाधाए, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, निरंतर निरंतर बैठे रहने से श्रम का अनुभव नहीं होता? अरे एक ही आसन पर बैठे रहोगे तो कब तक बैठ पाओगे? आखिर तो दर्द तो करेगा, घंटे दो घंटे चार घंटे। अरे आप और हम श्रोता लोग कैसे हैं पता है, 1 घंटे में तो 50 बार तो यूं से यूं तो बैठते उठते, कभी यूं बैठ जाते हैं, कभी यूं बैठ जाते हैं, कभी कैसे बैठ जाते। लेकिन राजा परीक्षित एक ही आसन पर रीढ़ की हड्डी के सहारे स्थिर होकर के मन को स्थिर करके कथा सुनने में रसिक है। ये दुर्निर्वार बाधाएं तो बड़े बड़े योगियों को भी बाधित करती रहती है। छुदा पीर सही सके न योगी, इसको सबसे बड़ा कष्ट कहा गया। महाभारत में एक श्लोक है, वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निधन जीवनम पुत्र शोकम महाकष्टम कष्टात कष्ट तरिक छुदा। एक राजा के दरबार में 4 दुखी मनुष्य पहुंचे, उनसे पूछा गया आप लोगों को क्या दुख है, तो उन चारों ने उपयुक्त 4 बातें बताई। इसकी निवृत्ति के लिए कितने कितने अन्न खा डाले गए, जल पी डाले गए, परंतु यह ज्यों की त्यों ही बनी रहती है, फिर कोई महायोगीश्वर इन सब बाधाओं पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता है? आप एक राजा है, अपार सुख भोग में पले बड़े हुए पोसे गए, आपने इस पर कैसे विजय प्राप्त पा ली? परीक्षित जी ने कहा नेसातिह दुसहा क्षुण्माम त्यक्तो मदपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखाम भोज अच्युतम हरि कम कथामृतम। आह कितना बढ़िया कहा है। अरे अन्न की तो बात है क्या, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है, फिर भी वह असह्य भूख प्यास जिसके कारण मुनि के गले में मृत सर्प डालने का अन्याय किया था, मुझे तनिक भी नहीं सता रही है भूख प्यास।
क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा रस का निरंतर पान कर रहा हूं, निरंतर पान कर रहा हूं। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निधन जीवनम पुत्र शोकम महा कष्टम कष्टात कष्ट तरीक्षुदा। गांधारी के 100 पुत्र मारे गए, तीसरी बार पट्टी खोलकर अपने पुत्रों को देखने के लिए उस रणभूमि में आई, अपने पुत्रों की लाश देख रही। विधाता का विधान देखो कितना बड़ा विचित्र है। भूख से व्याकुल हो उठी, जब इतनी भयंकर भूख से व्याकुल हुई है तब ऐसी रणभूमि में जहां लाशें पड़ी है, गीद कौवे आदि पक्षी लोग श्वान लोग मृत शरीर के मांस को नोच नोच करके पेट भर रहे हैं, और इधर गांधारी को बड़ी तेज भूख लगी। साधकों, कोई उपाय नहीं दिखा क्षुधा निवारण का। सामने गोरड़ी का वृक्ष दिखा, बैर लाल लाल पके हुए बैल देख बैर देखे, बोर बोर जिसे बोलते। मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, बेटों के मरने का दुख तो भूल गई, भूख के दुख में विचलित होकर के गांधारी बोर वृक्ष पर चढ़ने के लिए नाना प्रकार से उपाय किया पर चढ़ न पाई, हाथ भी नहीं पहुंचा। यहां तक भूखा मरता क्या नहीं करता, गांधारी ने अपने बेटे की लाश को खींचकर उसके माथे चढ़ करके बोर वृक्ष को हाथ लगाने की चेष्टा करती है, फिर भी वो गोर वृक्ष और ऊपर बढ़ गया, हाथ नहीं पहुंचा। कहते हैं गांधारी ने इस तरह से 100 पुत्रों की लाश एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख करके जैसी बोरड़ी के बोर को तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ती है, उसी वक्त वासुदेव प्रकट हो जाते हैं। संग चक्र गदा पद्मधारी प्रकट होकर कहने लगे, अरे गांधारी क्या कर रही हो। तब गांधारी ने कहा, वासुदेव जरा कष्टम बुढ़ापे का दुख, उसमें भी निर्धनता का दुख यानी गरीबी का दुख। चलो बुढ़ापे का दुख भूला जा सकता है, गरीबी का भी दुख भूला जा सकता है, पुत्र शोकम महाकष्टम पुत्रों के मरने का दुख कैसे भूले, क्योंकि पुत्रों के सहारे बुढ़ापा काट लेंगे और वे हमारा निर्धनता पर जो है ना जाकर के उपाय कर लेंगे। पर देखते देखते बुढ़ापे का दुख, उसमें भी गरीबी का दुख, उसमें भी बेटे मर गए, और उससे भी बड़ा दुख यदि कोई है कष्टात कष्ट तरीक्षुधा, भूख का दुख है। बुढ़ापे का दुख तो कुछ समय के लिए है, गरीबी का दुख बहुत कुछ समय के लिए है, बेटे मरने का, घर में कोई मरने का, मरने का दुख कितने समय तक का है, 2-4 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, महीना 2 महीना, 4-6 महीना, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है दुख। आखिर तो उसे व्यवस्थित होना ही पड़ता है। पर भूख का दुख तो सबको सताता है, चाहे कितना भी बड़ा धनाढ्य क्यों नहीं हो, राजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट भी क्यों नहीं हो, उसे भी भूख का दुख सताता है। बड़े से बड़ा योगी भी
साधना रत महात्मा, उसको भी भूख का दुख सताता है। इसलिए यहां पर राजा परीक्षित से कहा, राजन तुम इतने एक आसन पर बैठ करके तल्लीन होकर बैठे हो, तुम्हें भूख नहीं सता रही है, प्यास नहीं सता रही है, शरीर का श्रम नहीं सता रहा है। नेसाति दुसहा क्षुण्महं त्वेतोदमपि बाध्यते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज अच्युतं हरिं कथामृतम्। भगवान, अन्न की तो बात है क्या, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है, फिर भी वह असह्य भूख और प्यास जिसके कारण मैंने मुनि के गले में मृत सर्प डालने का अन्याय किया था, मुझे तनिक भी नहीं सता रही है भूख प्यास, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई झर 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 जो आपके मुखारविंद से निरंतर लीला कथा रसमयी जो झर रही है उससे मैं पान कर रहा हूं। वही उत्तम श्रोता का लक्षण है। जीति पवन मन को निरस कर मुनि ध्यान कबहुक पावही। इससे जनाया गया परीक्षित जी का मुनियों से भी सौभाग्य विशेष है, क्योंकि जहां मुनियों के हृदय में प्रयत्न करने पर भी भावनात्मक मूर्ति की भी स्फूर्ति नहीं होती, वहां इसको सहज साक्षात रूप राशि भगवान के दर्शन हो गए। भगवत तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न विभिम्यहम प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम अभयम दर्शितम तया। अर्थात भगवान तक्षक से मृत्यु को प्राप्त होने का भय मुझे नहीं है, क्योंकि अब तो मैं आपके द्वारा प्रदर्शित परम निर्भय ब्रह्मानंद पद को प्राप्त हो गया हूं। साधकों, बड़ा ही दिव्य पावन प्रसंग चल रहा है। इस दिव्य पावन प्रसंग को परीक्षित महाराज प्रथम श्रोता के रूप में माने जाते हैं। नरप परीक्षत भयो परायण सुखदेव सो शब्द पिछायण राम नाम दिन सात पढ़ायो तज नर लोक परम पद पायो। भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर का उनका राज्य जो धूर्तों से छल से छीन लिया था वापस दिलाया है। द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। युधिष्ठिर द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा वेद मंत्र दृष्टा ब्राह्मण और पुरोहितों से तीन अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को सो यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब और फैलाकर भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। अब द्वारिका ही जाना होगा, द्वारिका में जीवन काटना है। उसी समय उन्होंने विचार किया और पांडवों से विदा ली और व्यास जी ब्रह्मचर्यों की वंदना कर उनके द्वारा अत्यंत सम्मानित होकर सात्यकी और उद्धव को साथ द्वारका जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा अर्जुन कुमार अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भय से व्यल होकर दौड़ी चली आ रही है। त्राहिमाम त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम रक्षमाम, मेरी रक्षा करो रक्षा करो। उत्तरा गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए भगवान अम्बनंदन यशोदानंदन कुंद मुकुंद व्रजन चंद्र श्री श्याम सुंदर द्वारिकाधीश के चरणों में
अनुनय विनय करती हुई प्रार्थना करती है, नाथ कृपा निधान आप जल्दी से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए नाथ। श्री कृष्ण के समीप आकर उत्तरा बोली, देवाधिदेव जगदीश्वर आप मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु आप महायोगी सर्वशक्तिमान है, योग योगेश्वर महायोगेश्वर, हे योगेश्वरों सर्वशक्तिमान, ये प्रलयांगनी के समान दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है, स्वामी वो मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण नंदन नंदन यशोदानंदन भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण जान गए, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, उसने 5 बाण पांडवों पर ही चलाए थे। भक्त दुख कातर प्रभु ने अपने अनन्य प्रेमियों पर बड़ी ही विपत्ति आई जान करके अपने महास्त्र सुदर्शन चक्र से तो पांडवों की रक्षा की, स्वयं अंगुष्ठ प्रमाण शरीर धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लेते हैं। गर्भ मध्य प्रियादासी कहते हैं, वही गर्भ मध्य देख आयो रूप रास है, गर्भस्थ शिशु परीक्षित ने देखा उसकी आंखों के सामने सहसा एक ज्योतिर्मय पुरुष प्रकट हो गया है, देखने में तो अंगूठे भर का है परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है, अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, विद्युत वर्ण पीतांबर धारण किए हुए है, सिर पर स्वर्ण मुकुट झिलमिला रहा है, बड़ी सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं, कानों में तपाए हुए स्वर्ण की सुंदर कुंडल है, आंखों में लालिमा है, हाथ में लूके के समान प्रज्वलित गदा लेकर ऐसे बार बार उसे घुमाए जा रहे हैं, स्वयं शिशु के चारों घूम रहा है, जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देते हैं वैसे भगवान श्री कृष्ण अपनी तेजोमय गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर दिया, भला भगवान के अमित तेज के समक्ष ब्रह्मास्त्र का अस्तित्व ही क्या है, कुछ भी है, अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित जी की रक्षा की गर्भ में, शुभ समय पर भागवत परीक्षित का जन्म हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से मंगल वाचन जातकर्म संस्कार करवाए तथा दान मान आदि से ब्राह्मणों को परम संतुष्ट किया। अस्तो बड़ा ही सुंदर पावन प्रसंग परीक्षित महाराज की जन्म कर्म की चर्चा को आप और हमने श्रवण किया है, किस तरह से इस परीक्षित का नाम विष्णुरात और परीक्षित क्यों नाम पड़ा और किस तरह से दीर्घ विजयी बनते हैं, ऋषि के श्राप से किस तरह से शापित होकर के सुखदेव मुनि के चरणों में अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, ये प्रसंग हम आपको कल के दिन सुनाएंगे। हृदय से सबका साधुवाद इच्छते हुए, मंगल इच्छते हुए, समाधि जी के प्रति आपने निष्ठा और समर्पणता व्यक्त करते हुए भगवान के नाम का आश्रय लो, ये पुरुषोत्तम मास है और इस पुरुषोत्तम मास में जितना अधिक भगवान का नाम लेता है, जितना अधिक कथा सुनता है, सत्संग सुनता है, शास्त्र स्वाध्याय करता है, निश्चित रूप से भगवान उसके पुण्य को अक्षय कर देते हैं, दान पुण्य करने का ये अवसर है, खूब दान पुण्य करें, ब्राह्मण साधु संतों को भोजन कराएं, अभ्यागतों को भोजन कराएं,
शुद्ध सात्विक होकर के, निर्मल होकर के, पाठ पूजा में निमग्न होकर, ब्राह्मणों का आतिथ्य सत्कार करके, साधुओं का सम्मान करते हुए, अभ्यागतों की सेवा करते हुए, अहर्निश राम 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 की रटन लगाए जा लगाए जा लगाए जा। ऐसा यदि करोगे सचमुच ही अधिक मास आपको सब प्रकार से फल प्रदान करने वाला होगा, सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला यह अधिक मास होगा। इसलिए साधकों खूब बड़ी निष्ठा पूर्वक घर में बैठकर भागवत को पढ़ो, विष्णु पुराण को पढ़ो, और भी कोई ग्रंथ इच्छा हो वह पढ़ो या सुनो, जितनी ज्यादा कथा सुनने चाहो सुनो, खूब सुनो। यदि ये भी नहीं कर सकते हो तो चैतन्य महाप्रभु की तरह संकीर्तन में संलग्न हो जाओ, बस डूब जाओ, नाम रस में डूब जाओ। राजा परीक्षित को शब्द की पहचान करवा रहे सुखदेव मुनि, और कैसी पहचान करवा रहे हैं, ये भागवत तो माध्यम है, पर भागवत के माध्यम से शब्द की पहचान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को करवाते हैं। तब राम नाम दिन सात पढ़ायो, तज नर लोक परम पद पायो। ऐसे परम पद को प्राप्त करने वाले परीक्षित का दिव्य भाव आप और हम सभी श्रवण कर रहे हैं। ब्यावर के सीपी झवर परिवार हृदय से मैं सम्मान करता हूं, आज उनका अंजल है। और सूरत के अनिता बेन, जयस भाई और संध्याकालीन धर्मिष्ठा, यानी कि अनिता धर्मिष्ठा दोनों बहनें डॉली बहन की, आज इन दोनों के प्रसादी का अंजल है सुबह शाम का। उन परिवार का भी मैं बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ। यहाँ संत भजन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, साधना स्वाध्याय कर रहे हैं, ब्राह्मण अपनी पाठ पूजा से निरत रहकर अपनी साधना में रहता है। लगभग यहाँ 10 संत है, 10 संतों की यहाँ सेवा बराबर हो रही है। आप लोगों से भी अपेक्षा है खूब सेवा करें, अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। राम 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 राम